नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सुमिल अब्रोल। पुलिस जिसका एक अहम रोल है सोसाइटी के अंदर, जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आती है या फिर इन्वेस्टिगेशन करने की बात आती है या फिर किसी लॉ को इंप्लीमेंट करवाने की बात आती है, तो पुलिस का एक अहम रोल रहता है। जम्मू और कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो 1873 से अब तक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्व कर रही है और कई सारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के रूप हैं। अब रूप मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप कश्मीर की तरफ जाएंगे तो वहां पर काउंटर इंसर्जेंसी के बीच में, एनकाउंटर्स के बीच में फ्रंट फुट पर आकर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार है। जहां माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां पर काम कर रही है, उसके साथ साथ कई और विंग्स हैं। इसी के बीच में एग्जीक्यूटिव विंग भी आता है। एग्जीक्यूटिव विंग का काम है कि जो सिविल सोसाइटी के अंदर चीज़ें हो रही हैं या अगर किसी के कुछ मसले हैं उनको सॉल्व किया जाए, कंप्लेंट्स जो हैं वो रजिस्टर की जाएं। कैप्शन आपने पढ़ा है, कैप्शन के बीच में मैंने ये लिखा है कि क्या पुलिस का डंडा एक आम आदमी के लिए, एक इनोसेंट आदमी के लिए है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली एक वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है और वीडियो ये कहती है कि एक व्यक्ति जो कि अपनी स्कूटी के ऊपर जा रहा है और उसकी कुछ टॉक्स पुलिस वालों के साथ होती है और उसके बाद पुलिस वाले उसको मारते हैं, पीटते हैं। एक लेडी बीच में आती है और वो लेडी जब आकर थोड़ा सा शोर डालती है तो ऐसा लगता है कि पुलिस थम सी जाती है। लेकिन अब ये जो नौजवान है, ये वही नौजवान है जो नेशन का भविष्य है, ये नेशन का फ्यूचर है, ये नेशन की बैकबोन है और इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस समय टूटा हुआ है। इस समय टूटा हुआ है और टूट इस कदर गया है कि ये व्यक्ति, ये नौजवान कभी एक मीडिया हाउस के पास हेल्प मांगने के लिए जा रहा है और तो और जब किसी ने नहीं सुनी, जब पुलिस ने इसकी नहीं सुनी तो इसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये घटना है 31 दिसंबर की और पूरी घटना इनसे हम जानने की यहां पर कोशिश करेंगे। क्या कुछ इनके साथ अब तक हुआ है वो भी हम जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुनील सहानी। सुनील जी, क्या हुआ था 31 को? क्योंकि आपकी कई सारी वीडियोस हमने देखी, कई सारे मीडिया हाउसेज में आपकी वीडियोस हमने देखी, क्या हुआ एक्चुअल में और अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? सर, मैं अपने वर्कर को छोड़ने के लिए भद्रवा जो गाड़ी जाती है वहाँ इंदिरा चौक छोड़ने जा रहा था। उनके दादू की डेथ हो गई थी तो मैं उनको छोड़ने जा रहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि उनके दादू की डेथ हो गई थी। बस वही पुलिस वाले घर के बाहर थोड़ा सा 100 मीटर दूर पुलिस वाले खड़े होते हैं। मैंने उनको ये बताया ऐसे बात है। इतने में पूछताछ के मुताबिक दूसरे बंदा आते हैं, पुलिस ऑफिसर से वो आते हैं। आते ही उन्होंने मेरे को धक्का मुक्की मारना शुरू कर दिया तो मैंने जस्ट मारने की रीज़न क्या था वो इन्होंने अभी तक बताया नहीं। और ड्रिंक की हुई थी, मैंने उनको बताया, पूछा भी, मैंने सर आपने ड्रिंक की हुई है, मतलब इतनी बात पूछने के बावजूद उन्होंने मुझे माँ बहन की गालियाँ भी देना शुरू कर दी। और वहाँ पे जब मार रहे थे, मारते वक्त लेडी आ गई, लेडी अगर नहीं आते वहाँ पे तो न जाने मेरे को किस तरह से पीटते। और रात का टाइम था सर, मुझे बचाना भी किसी ने नहीं था वहाँ पे, तो ये कुछ भी कर सकते थे। बस वो पीटने के बाद मैंने इनको बोला, मैंने बोला ये आपने गलत किया, इस चौक में CCTV फुटेज भी, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो आप ये चीज़ मत करो, ऐसे आप ये गलत कर रहे हो। तो फिर इन्होंने माँ बहन की गालियाँ शुरू कर दी, जा जो तूने करना कर ले। बस इतनी बात हुई तो फिर उसके बाद मैं चले गया अपने वर्कर को छोड़ने के लिए। छोड़ के जस्ट मेरे को बड़ी पेन हो रही थी टांग में और कान पे जो थप्पड़ मारे थे इन्होंने, स्टिक से मारा था मुझे। मैं यहाँ पे चला गया मेडिकल करवाने के लिए सरवाल हॉस्पिटल में। वहाँ पे मैम थे, मैम को मैंने पूरी बताई बात की, मैम ये पुलिस वालों ने ड्रिंक करके मुझे मारा हुआ है। तो मैम ने भी बोला कि ना ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए उनको, उनका जो काम था वो अपना काम करते जबकि वो मार नहीं सकते हैं किसी को। तो मैंने बोला मैम यही चीज़ है, ये आए दिन ऐसे ही करते हैं, मैम हमारी सुनवाई तो है नहीं, आप मेरा मेडिकल करो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। तो मैम ने MLC भी बना दी। बनाने के बाद जस्ट वो सुबह हुई तो सुबह उठ के मैंने वो मेडिकल और एप्लीकेशन SHO सर को दे दी बख्शीनगर में, मॉर्निंग 31 को ही मॉर्निंग में। तो जैसे 31 मॉर्निंग में मैंने दी है उनको, तो उन्होंने बोला यार ये गलत किया तेरे साथ उन्होंने। मैंने दिखाया भी नहीं, मुझे नील पड़ा था, दिखाया उन्होंने बोला बहुत गलत किया यार, ये इस तरह से सस्पेंड होंगे, ये बड़ा गलत करते हैं, ये ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। बस ऐसी ये चीज़ हुई है। ये चीज़ होने के बाद एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरे दिन ना सुबह मैं वहाँ पे, फिर इन्होंने मुझे बुलाया, तीसरे दिन इन्होंने वही पुलिस वाले को, सुबह वही बंदा था और रिपोर्टिंग में रूम में एक ना फाइल लेके आ रहा था। मैंने बोला सर इन्होंने ही मुझे मारा हुआ। तो इतने में पुलिस वाले सारे हंसने लगे,
तो हंसने लगे। मैंने बोला सर आप हंस रहे हो, इन्होंने मुझे मारा हुआ है। मैंने बोला ये रोज मारते होंगे किसी को, ये भूल जाते हैं। जब हंसने लगे अपने आप को, आपने कितना बेबस उस समय समझा और क्या कॉन्फिडेंस लेवल गिरा? सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपके साथ ये पूरी घटना हुई तो किस तरह का फील हुआ? क्या ऐसा लगा कि एक इनोसेंट आदमी के ऊपर इस तरह का अटैक हुआ, इस तरह से पीटा गया और सुनवाई कहीं? सर मैं अंदर अंदर से शर्म अपने आप से महसूस कर रहा था कि मेरे साथ ये एकदम से होकर गया अगर हुआ, और मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ क्योंकि एक ऑफिसर उनसे भी ऊपर ऑफिसर थे, मैं उनकी नॉलेज में डालना चाहता था कि ये चीज़ हो रही है, क्या आपको पता है? उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। अगर मैंने बोला आपको पता है तो आप इस चीज़ पे खड़े उतरो, एक्शन लोगे आप इस पे? बोलते हाँ मैं बड़ा ईमानदार अफसर हूँ, आप टेंशन नहीं लो, आप मैं इस पे खड़ा उतरूंगा, मैं इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ नहीं है। पाँच दिन के बाद SHO हरजीत सिंह जी ने मेरे को सीधा सीधा यही चीज़ कह दी कि ये ना उनको बुलाया, रूम में बुलाया, मुझे भी बुलाया, उनको बोला। उनका नाम क्या है दोनों जो पुलिस वाले जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया? एक का नाम है शुभम शर्मा, एक का नाम है कुलदीप राज। तो ये दोनों ने जो मुझे पीटा हुआ है बुरी तरह से। किस रैंक के पुलिस वाले थे? जो ये हैं शुभम जी हैं ये SPO हैं, और जो कुलदीप राज जी ये हवलदार हैं। तो इन्होंने पीटा तो मैंने SHO सर को भी बोला, मैंने बोला सर ये हवलदार हैं और इन्होंने ड्रिंक की थी, तो इनको जो SPO से इनसे क्या सीखेंगे? तो इतने में कहने लगा नहीं यार ये बात तो सही है, कोई बात नहीं, मैं इनको रिमांड लिया। मैंने बोला सर आपने रिमांड लिया? बोलता मैंने बड़ा पीटा इनको यार, ये गलत किया। मैंने बोला सर मुझे तो इन्होंने अभी 2-3 डंडे मारे, थप्पड़ मारे, मुझे नील पड़ गया। मैंने बोला कहाँ पीटा मुझे दिखाओ, कहाँ पीटा? तो इतने में उनके पास कोई जवाब नहीं था, मुझे पता था कि ये उनके फेवर में है। फिर उन्होंने बुलाया, उनको वापस भेज दिया, बाहर भेज दिया कि चलो बाहर। फिर मुझे ना पर्सनली बोलने लगे यार तू मेरा छोटा भाई है तो यार बड़ा का चक्कर होता है, इनको स्ट्रेस होता है ऊपर से, तो इनको बड़ा ज़्यादा मतलब कि प्रेशर होता है। मैंने बोला सर प्रेशर में ये आप पब्लिक को मारेंगे थोड़ी, तो ये तो अभी तो इनके पास डंडा था, PVC की पाइप थी, इन्होंने पीटा हुआ, अगर इसका मतलब प्रेशर है तो गनमैन भी बनेंगे कल, तो गोली मार देंगे प्रेशर में। बोलते ऐसे थोड़ी होता है। मैं सर वीडियो भी थी था मेरे पास। मैंने बोला सर ये वीडियो देखो, वीडियो देख के आपको लगता है अगर इनके पास गन नहीं होगी और ये मारेंगे नहीं? मैंने बोला सर ये कौन कह सकता है? आंटी आई मुझे बचाने के लिए, अगर आंटी नहीं आते तो ये मुझे पीट पीट के बुरी हालत। आपकी उम्र जानना चाहूंगा मैं कितनी? मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल की एज है। 25 साल की एज में इस तरह की घटना जब हुई, क्या लगता है आपको कि एक इनोसेंट के ऊपर जब इस तरह का अटैक होता है तो क्या उसको क्रिमिनल बनाने में ये लोअर लेवल की जो पुलिस है वो कोई कसर नहीं छोड़ती? सर यही जो क्रिमिनल होता है सर वो कोई अपना शौक से नहीं होता सर, यही मजबूर करते हैं क्रिमिनल। क्योंकि उस वक्त मैं इतना बेबस हो गया था, मैं कह रहा था कि या मैं अपने आप को खत्म कर दूं, तो या इन्होंने जब मुझे खत्म मारा हुआ या मैं इन पे इस तरह से बोलूंगा इनकी। तो ये सर उस तरह से जो मैंने वो उन दिनों में 24-25 दिनों में फील किया है वो मैं जानता हूँ। तो वो होने के बाद सर 6 दिन के बाद SHO सर ने बोल दिया कि जहाँ जो करना आप कर लो, बस इतनी बात होने के बाद नेक्स्ट डे मैं SSP सर के पास गया। SSP सर ने भी देखा, देखने के बाद उनको मैंने वीडियो भी बताई, मेरे पास वीडियो है, तो वीडियो मैंने बताई, तो वीडियो उन्होंने बोला बोलते वीडियो नहीं कोई बात नहीं वीडियो छोड़ो आप। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को देखा, देखने के बाद उन्होंने मार्क कर दिया कि जाओ आप पुलिस स्टेशन में। मैं पुलिस स्टेशन फिर गया नेक्स्ट डे 7 तारीख को, और मैंने बोला अब सर ये लो, अब इस मैंने सोचा कि अब इस पे खड़े उतरेंगे, लेकिन उन्होंने SSP सर के ऑर्डर की भी धज्जियाँ उड़ा दी। उन्होंने उसको भी नहीं माना, वो ऑर्डर को मतलब कि मैटर करता था ना SSP सर का ऑर्डर, उन्होंने उसको भी नहीं माना। न जाने मैंने सोचा कि न जाने पता नहीं कौन सी अप्रोच है इनके पास, कौन सी पावर है जो SSP सर से भी बड़ी पावर है इनके पास। मैंने बोला मेरी सुनवाई कहीं नहीं तो मैं मीडिया में जाता हूँ, तो मैं मीडिया में भी गया। 14 तारीख को मीडिया में गया, मीडिया में जाने के बाद हर चैनल में मैंने दिया और नेक्स्ट डे न्यूज़ में भी आया, इनको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं हैरान हो गया कि इससे भी इनको फ़र्क नहीं पड़ा, 19 तारीख तक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने फिर जो इंटरव्यू दिया था ना, मैं वहाँ पे देख रहा था कि क्या पता कोई ना कोई ऐसे आ जाए सामने, वो वहाँ भी कोई एक मीडिया में देते वक्त ना मीडिया में कोई ना एडवोकेट जी थे, उन्होंने कोई मैसेज किया था कि मैं एडवोकेट हूँ तो मेरे से कॉन्टैक्ट करो आप, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। बस वो वहाँ पर मैंने उनका नंबर लिया, नंबर लेने के बाद उन्होंने मुझे ये इंसाफ दिलाया, कोर्ट का ऑर्डर वहाँ पर डायरेक्शन दे दिया। तो ये एडवोकेट भी हमारे साथ हैं जिन्होंने कमेंट किया और वॉलेंट्री उन्होंने कहा कि मैं आगे आऊंगा और इस नौजवान की हेल्प करूंगा। कहीं ना कहीं इसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति की ये कोशिश रहती है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो इंसाफ मांगने के लिए सबसे पहले उसकी अप्रोच होती है जो नियर बाई पुलिस स्टेशन है, या फिर अगर वहां से कोई से नहीं है तो फिर फाइनली जो है वो जुडिशरी यानी कि कोर्ट के बीच में उसको जाना पड़ता है। तो वकील साहब मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले, और आपसे कुछ सवाल भी मैं करूँगा, अब क्या डेवलपमेंट हुई है, अब किस तरह की डायरेक्शन जो है आपने दिलवाई है और क्या कुछ इसके ऊपर हुआ है? मेरा नाम है एडवोकेट मृणाल मल्होत्रा। तो सर मैंने एक्चुअली इसका इंटरव्यू जब देखा ना तो मेरे को भी थोड़ा फील हुआ कि ये बहुत ही खज्जल हो चुका है, SHO के पास भी गया, SSP के पास भी गया और इतना डिले
क्योंकि FIR रजिस्टर का मतलब क्या हो गया, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इन्होंने अभी तक वो ही नहीं किया हुआ है। और ऊपर से इसको देखो बेवकूफ बना रहे हैं, मैंने अभी सुना कि रिमांड पे लिया हुआ है। सर रिमांड मिलती है कोर्ट प्रोसीडिंग में, बिल्कुल, और वो कोर्ट में जज के पास जाओ अगर आपने FIR रजिस्टर की है, फिर आप रिमांड लेते हो ताकि आप एक्सटेंड कर सको इंटरोगेशन और उसके आगे बढ़ा सको। इसको बेवकूफ बनाया हुआ है वो रिमांड का भी बोल के। तो सर फिर मैंने सोचा कि इसको मैं एक कोर्ट में एक प्रोसीडिंग होती है कि जिसमें मतलब FIR अगर रजिस्टर नहीं करें कंसर्न SHO वगैरह या SSP, तो वो कोर्ट के थ्रू डायरेक्शन जाती है सीधे आपको मतलब FIR रजिस्टर करें। तो अब वहाँ से मैंने ऑर्डर इनको दिलवा दिया हुआ है और इनको फॉरवर्ड भी हो गई है कॉपी SHO को। अब देखते हैं सर कि कहाँ पे क्या प्रोसीडिंग करते भी हैं कि नहीं करते। चलिए, आपने आपने जिस तरह बताया कि आपने थ्रू कोर्ट डायरेक्शन ली है FIR के लिए, जिस तरह इनका भी कहना है कि मैं SSP के पास गया क्योंकि SSP एक IPS रैंक के ऑफिसर हैं और एक टॉप लेवल की पुलिसिंग की अगर बात करें क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को वो पूरी तरह से कमांड कर रहे हैं, क्या लोअर लेवल की जो पुलिसिंग है या मिडिल लेवल की जो पुलिसिंग है उसके बीच में आपको लगता है कि कमी है और उस कमी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो ऊपर बैठी है, पूरी तरह से चेक बनाया है, तो वो कमी क्यों है? क्योंकि इस तरह के लोग अगर विक्टिम बनते रहे, बिल्कुल, तो नौजवान, जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा कि बैकबोन ऑफ द नेशन होता है, तो क्या बैकबोन आपको नहीं लगता कि कमजोर हो जाएगी? क्या ऐसे नौजवानों को क्रिमिनल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही लोअर लेवल की पुलिसिंग? सर आप खुद देखो ना, अगर ऐसे अगर आम आदमी के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, वो भी बाय द पुलिस जो लॉ इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट करवाते हैं, तो अगर ऐसे ही एग्जांपल और सेट होते रहे तो पुलिस वालों का तो मतलब किसी पे विश्वास नहीं रहेगा पुलिस के ऊपर। ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट करेंगे जो पुलिस, तो फिर तो उनके ऊपर विश्वास किसी का नहीं रहेगा। तो वैसे भी अब आजकल की डेट में लॉ आपको पता है सर, कानून पुलिस वालों के मतलब हाथ में ही है, समझ लो ये अपने आप को लॉ अबव लॉ समझ रहे हैं आजकल की डेट में, क्योंकि किसी को मारना इनके पास वैसे भी कोई पावर है ही नहीं है ऐसी, ना कोई कोर्ट प्रोसीडिंग में ना कोई लॉ में है कि आप मतलब कोई भी क्रिमिनल को आप मार सकते हो ऑन स्पॉट पे। तो सर मेन यही है, अगर ये लॉ को अपने आप समझ रहे हैं तो फिर खुद आप बताओ किसी को विश्वास कहाँ रहेगा इसके ऊपर। आप कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं, वकील को कहा जाता है ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट, ऐसे कई सारे मामले आपके भी नोटिस में आते होंगे, कई सारे ऐसे एप्लीकेंट आते होंगे, कंप्लेनेंट आते होंगे, तो क्या लगता है आपको कि अब किस तरह का जो एक सिस्टम है वो बनाने की जरूरत है? क्योंकि जुडिशरी जहाँ थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि इस तरह से जो पुलिस है, भले ही वो पुलिसिंग बहुत अच्छी कर रही है, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक रूप है, अलग अलग रूप है, जहां एनकाउंटर्स में वो आगे रहती है, SOG आगे रहती है, और भी कई सारे विंग्स हैं, लेकिन इसी बीच एक रूप ऐसा भी कि एक आम आदमी इसमें विक्टिम बन रहा है। तो क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में कहीं ऐसा प्रोविजन है कि पुलिस जो है वो एक आम आदमी को मारेगी और एक आम आदमी का जो एक फंडामेंटल राइट है, एक पूरी की पूरी उसके ऊपर डेमोक्रेसी के बीच में एक राइट है उसका कि वो जाकर अपनी कंप्लेन कराएगा? क्योंकि हर कोई भी एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई भी जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर ये जो है वो होता है, नो डाउट इंसाफ मिलता है लेकिन एक लंबा प्रोसीजर है। तो किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं आप? सर मेन चीज़ ये है, मैंने एक चीज़ देखी लैक कहाँ से किया ये, इसकी इसके केस में ही लगा लो आप, कि लोग वॉइस बन के आगे नहीं आते, किसी की हेल्प करने के लिए कोई रेडी नहीं है ही नहीं आजकल की डेट में। तो चलो मैंने तो बाई चांस कमेंट कर दिया तो इसका भी रिप्लाई आ गया, तो मैंने बोला चलो हेल्प कर देता हूँ। अगर इसकी केस में कोई हेल्प नहीं करता तो ये आज भी एप्लीकेशन लेके इंटरव्यू ही कहीं दे रहा होता। और सोशल मीडिया ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया है इस चीज़ में कि सबकी जगह सर्कुलेट भी हो गया, उससे भी पता चला कि मतलब मेरे को भी बाई चांस पता चला, अभी देखो मैं रिहाड़ी रहता हूँ, ये शक्तिनगर रहता है, अभी मेरे को पता ही नहीं था इंसिडेंट, तो मैंने उधर देख के थोड़ा पता चला। और बाकी जो ये इन्फोर्समेंट जो नहीं हो रही है, देखो सर अब लॉ को ना ये थोड़ा ईजीली ले रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, जब तक ये मतलब एक्शन नहीं होगा इनके खिलाफ तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये आस्ता आस्ता जैसे जैसे एक्शन बढ़ेंगे तो ये भी थोड़ा अपने आप को अपनी ड्यूटी को थोड़ा सीरियस लेंगे, नहीं तो पुलिस आपको खुद बताओ ना, ये फॉर द सेफ्टी ऑफ द मतलब पीपल है या उनको ही मारने के लिए? बाकी ज़रा आपने देख ही लिया, अगर अगर कोई ऐसे कोई आम बंदे ने किया होता तो उसके क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाती 323, 504 IPC में सारी प्रोसीडिंग है, तो इनके खिलाफ भी होनी चाहिए थी पुलिस के वालों के खिलाफ, इन्होंने इतना डिले क्यों किया, कोई रीज़न देंगे तो पता चलेगा ना सर। चलिए, सवाल ये उठता है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर और कानून एक आम आदमी के लिए ही है? अगर ऐसा एक आम आदमी ने किया होता तो इमीडिएटली इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन जो था वो होना था, इमीडिएटली कंप्लेन भी जो थी वो रजिस्टर होनी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की जो लोअर लेवल की पुलिसिंग है, जिन्होंने नाके लगाए होते हैं, नो डाउट ड्यूटीज दे रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस है, अगर प्रेशर है, तो ये देखना
सीनियर ऑफिसर्स का काम है, सीनियर ऑफिसर्स को उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज ये व्यक्ति विक्टिम बना है, कल को और कोई नौजवान विक्टिम बन सकता है। आए दिन ऐसी खबरें जो हैं वो सामने आती हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट से अगर हम बात करें तो इस तरह की खबरें आती हैं। तो क्या जो पावर्स हैं, जो मौके पर पावर्स दी होती हैं, उसका मिसयूज किया जा रहा है? अपनी राय आप जरूर शेयर करें, और ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं, नो डाउट कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से डायरेक्शन इन्होंने ली है। आप जो फर्दर प्रोसीडिंग्स उसके बीच में होंगी, फर्दर कोर्स ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है, एक्शन है, वो भी ये चाहते हैं कि फेयरली हो और मुझे इंसाफ मिल पाए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अबरोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।